हल्के पतले झड़ रहे बालों में पीस देने से लगाया, बाल ऐसे काले लंबे घने हुए कि नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेकर आए हैं, क्योंकि ये जो तेल आप देख रहे हैं, ये तेल ना केवल आपके बालों का झड़ना रोकेगा, साथ ही साथ आपके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों वैसे तो बालों के झड़ने टूटने उनके रूखे होने के कई तरह के कारण होते हैं। हम कई बार बाहर से ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बालों में लगाते हैं जिनके नतीजे शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये बालों पर उल्टा असर दिखाते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, पतले होकर बिल्कुल बेजान हो जाते हैं और बालों में ऐसा रूखापन आता है कि बाल दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज दोस्तों हम आपके लिए ऐसा तेल बनाना सिखाएंगे जिसके बाद आपको बालों में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तेल आपके बालों की पूरी केयर करेगा और झड़ना टूटना कर बालों की लंबाई को दोगुनी तेजी से बढ़ाएगा। तो चलिए ये देखते हैं इस तेल को आपको कैसे बनाना है। इस तेल को बनाने के लिए दोस्तों पहली चीज आपको यहाँ पर लेनी है वो है ये प्याज। अगर आप पतले बालों से परेशान हैं या आपके बालों का रंग उड़ता जा रहा है, बाल बिल्कुल फीके से हो गए हैं, तो उन्हें काला बनाने के लिए और पतले बालों को फिर से मोटा करने के लिए दोस्तों ये लाल प्याज बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले इस तरह से एक खाली कांच की बोतल लेनी है। हम दोस्तों यहाँ पर एक खाली कांच की बोतल लेंगे और उसमें हम इस प्याज को डालेंगे। आप इस तरह से चक्कू लीजिए और चक्कू से पहले इसे छील लीजिए। मार्केट में दोस्तों वैसे तो तीन तरह के प्याज आते हैं, लेकिन आपको लाल प्याज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लाल प्याज में सल्फर अधिक मात्रा में होता है जो बालों का झड़ना रोकने के लिए और गंजेपन से बचाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी के साथ साथ प्याज हमारी स्काल्प से इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, जिससे बालों के पतले होने की समस्या और प्री मेच्योर यानी कि ग्रे हेयर की समस्या ठीक होती है। आप दोस्तों इस तरह से प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काटिए और हम यहाँ पर इसे खाली कांच की बोतल में डाल लेंगे। और फिर इसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर लेने हैं क्लोव्स, जिसे हिंदी में हम लौंग कहते हैं। साधारण भाषा में दोस्तों बात करें तो लौंग हमारे बालों को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। इसी के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हमारी हेयर थिकनेस को बढ़ाते हैं, जिससे पतले बाल मोटे होने लगते हैं और वो दिखने में घने लगते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि ताजे क्लोव्स लेने हैं। आप पैकेट वाले या खुले हुए कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ताजे होने चाहिए। और हम यहाँ पर इस तरह से चम्मच में 10 साबुत लौंग लेंगे। और तीसरी चीज आपको यहाँ पर इस्तेमाल में लेनी है वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। यहाँ पर दोस्तों आप दो तरह के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में सरसों का तेल है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ये मैंने नारियल तेल लिया है और इस तेल के 20 चम्मच आप इस तरह से ये कांच की बोतल में डालिए। आप दोस्तों चाहे तो छोटी नारियल के तेल की बोतल ले सकते हैं इस तरह की, आप इसे पूरा डाल सकते हैं या फिर 20 चम्मच के बराबर इस नारियल तेल को इसमें डालिए और फिर रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस तेल को दोस्तों जितना बनाना आसान है उतना ही जरूरी ये जानना है कि इसे लगाना कैसे है, क्योंकि किसी भी तेल का बालों पर सही असर तब दिखता है जब हम उसे सही से बालों पर लगाते हैं। तो चलिए ये जानते हैं इसके बारे में। इस तेल को बालों में लगाने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले अपने बालों के लिए 1 घंटा निकालना होगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर हम इस तेल को लेंगे, इसे पहले अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी बालों की जितनी भी लंबाई है, हम लड़का हो या लड़की, बालों की लेंथ के हिसाब से इस तेल को एक बाउल में निकाल लेंगे, जिससे हम आसानी से इसे बालों पे लगा सकें। हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के बराबर ये तेल निकालेंगे और हल्के हाथों से धीरे धीरे अपने बालों पर इसकी मसाज करेंगे। आपको दोस्तों इसकी मसाज तेजी से नहीं करनी, आप हल्के हाथों से बालों की जड़ों में मसाज करें और जितना जो तेल आपका बच जाएगा उस तेल को अपने बालों के ऊपर लगा लें। और इस तेल को कम से कम 1 घंटे तक अपने बालों पर लगा के रखना है। उसके बाद आप नहा लीजिए और फिर शैम्पू करके इसे अपने बालों से उतार लीजिए। इस तेल का इस्तेमाल दोस्तों आपको इसी तरह से करना है। हफ्ते में आपको ये तेल बालों में 3 बार लगाना है और 20 दिन में ही आप दोस्तों देखेंगे कि ये तेल आपको अपने बालों पर रिजल्ट दिखाने लगेगा। आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, साथ ही साथ ही आपके बालों की पूरी केयर करेगा, जिससे आपके बालों का झड़ना और टूटना बंद होगा और बालों में शाइन आएगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।